मुरावर में मौत के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है कई जाटों परिवार। छत से गुजरे 11 केवी की लाइन हर वक्त डरा रही है जीवन। कराहल विकासखंड के अंतर्गत आने वाली मुरावन ग्राम में मकान की छत से गुजरी 11 केवी लाइन को वजह से कई परिवार अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं। बिजली संकट की वजह से उन्हें मजबूरन अपने मकान को छोड़कर अन्य जगह रहकर अपना जीवन गुजारना पड़ रहा है। मुरावन निवासी मांगीलाल जाटव, गिरिराज जाटव और दुर्गालाल जाटव ने बताया कि 5 वर्षों से हम अपने मकानों में नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हमारे मकान की छत से 11 केवी की लाइन की तार गुजर रही है जिससे कभी भी करंट के झटके महसूस हो सकते हैं। कई बार छोटे बच्चों को करंट लग चुका है। इन बिजली के तारों को हटवाने के लिए कई बार आवेदन दे चुके हैं मगर कोई नहीं सुनता। क्या किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाए तब इन तारों को हटाया जाएगा। हम इस मामले की शिकायत अब जिला कलेक्टर से करेंगे। वह राज्य मंत्री तुलसन पाल बरैया भी पार्टी प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए मोरावन ग्राम पहुंच गए थे। उन्होंने भी समस्या को देखकर कहा कि चुनाव बाद इनकी समस्या का समाधान करवा दूंगा। कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस जगह आप अभी खड़े हैं जिस मकान के सामने, उस मकान के ऊपर से आप देख रहे हैं कि 11 केवी की लाइन जा रही है जी। तो ये लोग कह रहे हैं कि मकान खाली करके जाना पड़ रहा है, लाइट के झटके आते हैं, क्या इनकी सुनवाई होगी? नहीं, बिल्कुल सुनवाई होगी। इनकी क्या, इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि वास्तव में इस लाट के मकान के ऊपर वो जा रही है। आचार संहिता के बाद में बातचीत करके इसकी समस्या का समाधान करवाएंगे। बिजली विभाग क्या हटा लेगी, इन कनेक्शन दूर कर देगी लाइटों के तारों को? नहीं, क्यों नहीं करेंगे? जब मकान जा रहा है, मकान पर ऊपर वो लाट आ रही है तो बिजली विभाग क्यों नहीं करेगा? इसको करना पड़ेगा, उसको आप करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। मांगीलाल जाटव, क्या परेशानी है? सर जाओ, मैं परेशानी बिजली की परेशानी है, लाट के मारे जहरे नहीं पा रहे हम। मतलब क्यों लाइट आती नहीं है या कोई और बात है? किस नहीं, लाट आती है सर, और लाट के झटके आते हैं, जहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। क्यों आते हैं लाइट के झटके? मकान के ऊपर लाइन, मकान के ऊपर लाइन। अच्छा जी, जो लाइन जा रही है ये आपके मकान के ऊपर से जा रही है? मकान के ऊपर जा रही है। कब बना था ये मकान? 5 साल पहले। 5 साल पहले बना था, तब से आप रह रहे हो इसमें? नहीं रह पाए सर। तो फिर आप कहाँ रह रहे हो? हम किराए से रह रहे हैं। तो क्या आप जब रहते थे तो क्या इसमें करंट करंट ऐसा लगता है? करंट आ रहा है? हाँ, करंट आ जाता है नीचे। तो तुमने इसके तार हटाने के लिए आवेदन दिया? हाँ दिए साहब, कोई ने सुनवाई नहीं करी। मतलब बिजली विभाग नहीं सुन रहा है? हाँ। तो क्या आपका मकान ये बंद पड़ा है क्या? बंद पड़ा है सर। क्या चाहते हो आप? हम जैसा चाहते हैं कि लान जैसे हट जाए तो हम जहाँ में रहने लगे। गिरिराज जाटव। गिरिराज जी, क्या परेशानी है यहाँ? ये लाइन की परेशानी है पूरी। अच्छा, क्या होता है इस लाइन? रात में इसमें से परे टपकते हैं। अच्छा। मकान के ऊपर रह नहीं पाते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि करंट के झटके महसूस होते हैं क्या? और क्या, क्या इसके लिए बिजली विभाग को सूचित किया था कभी? आवेदन दे सब दे रहे, ये लाइन नहीं हट रही। तो कैसे रह पा रहे हो फिर इस करंट के बीच में? खाली डले। अच्छा, तुम्हारा भी मकान है क्या यहाँ? जी, पीछे ही है। अच्छा, इसके पीछे तुम्हारा मकान है, वो भी खाली पड़ा है। तो अभी क्या चाह रहे हो? ये लाइन हटने की सोच रहे हैं। अच्छा, लाइन, यदि लाइन नहीं हटती है तो क्या करोगे? हम एक बार और देंगे आवेदन, नहीं है कलेक्टर साहब के पास जाएंगे हम। अच्छा, कलेक्टर के पास जाओगे? एक अपना बच्चे करंट लग गया। अच्छा, हम ऐसे ही घटना हो गई तो कोई उन्हें जिम्मेदार कौन है? अच्छा, और क्या नुकसान हो गया तुम्हारा अभी तक? बच्चे आते उसमें मकान में और बच्चे ने करंट लग गया बरसात के टाइम पे, त्रिपाल जल गई। लेकिन तुमने मतलब बिजली विभाग से कहा लेकिन किसी ने सुना नहीं है अभी तक? कोई नहीं सुनता बिल्कुल। कितने वर्ष हो गए? 5 साल हो चली कैद कैद। अच्छा, कहते कहते 5 साल हो गए। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो फिर? किराए से रह रहे हैं। अच्छा, आपने मकान छोड़कर रह रहे हैं? खाली डला है। मिथिलेश। पूरा नाम क्या है आपका? मिथिलेश जाटव। क्या परेशानी है मकान की आप बता रही हो? बच्चे का करंट लग गया, मेरे इनका पूरे मर गए होते। कैसे लग गया था करंट? लाइट से, ऊपर से। ऊपर से कैसे मतलब? लाइट के तार ऊपर से जा रहे हैं? लाइट जरता ऊपर से। अच्छा, लाइट इतनी। तो क्या इसमें घर में झटके आते हैं लाइट के? हाँ आते हैं। तो क्या बिजली वाले आपके मकान के ऊपर से तार नहीं हटा रहे हैं क्या? नहीं हटा रहे, कोई नहीं कर रहा सुनवाई हम। तो पर कैसे रह रहे हो ऐसे? तो किसी दिन घटना हो जाएगी तुम्हारे साथ? वो ही रही है वो तो घटना, के मकान में जाना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खा रहेंगे अब जाके। मतलब इतनी परेशानी आ गई? और परेशानी आ रही है मन में। ये आपकी छत के ऊपर से ही जा रहे हैं? ये छत के ऊपर से ही आ रहे हैं यार, ये मकान अधूरा डाल रहा है हम 10 साल से। अच्छा, क्या मकान भी नहीं बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे, कैसे बना पाए हम मकान? लाइट है ऊपर। अच्छा, ऊपर लाइट इसलिए काम नहीं कर पा रहे? और कुछ काम नहीं कर पा रहे जी। हल्क हल्के से मुड़ावनी है जी, फिर लाए मुड़ावनी। क्या इन्हीं बच्चों को करंट लग गया था? हाँ, इनको ही लग गया करंट। दुर्गालाल जाटव। क्या परेशानी है?
लाइट की परेशानी है, जब मेरे घर के ऊपर लाइट जा रही है। तो क्या होता है इससे, मतलब क्या परेशानी? बरसात में करंट होता रह जाता है। अच्छा, तो बच्चे ने करंट, पहले करंट लग गया था बच्चे को। और एक दो तो जब मेरे पास में डीपी है, यहाँ डीपी पर भैंस मर गई है और कई गईया मर गई इसी लाइट की वजह से। हाँ, तो ये तुम्हारे घर के ऊपर से लाइट जा रही है, तुमने इसकी शिकायत की क्या? कई बार कर दी शिकायत, कोई सुनता नहीं है। क्या कहते हैं वो लोग? वो क्या कहेंगे, हो जाएगी, वो तो बिजली बार कह जाते हैं हो जाएगी, फिर होती नहीं है। कभी लगा ऐसा करंट का झटका? कई बार जब गाय भैंस मरी है हमारे यहाँ पे, और बच्चे ने करंट लग जाता है। तो बरसात में तो तुम्हें ये मकान छोड़ने पड़ते होंगे? छोड़ते हैं बरसात में, तो उधर रहते हैं फिर हम। किराए के मकान मोहल्ले में उधर। अच्छा, हाँ। यदि अब क्या चाहते हो तुम, कार्रवाई जी हट जाए तो ठीक है, नहीं कलेक्टर साहब शिकायत करेंगे हम।